Hello kids. Hello, how are you all doing? So kids, how are you all of you? I hope you all are good. And it's really, really, really nice to meet you once again, all of you. So, are you guys excited for today's class? So, you guys are excited? Okay, now I can see here so many smiley faces, so exciting faces here, and Merry Christmas all of you. And here, first of all, I want to introduce myself. I am your art and craft teacher Sonia, and welcome to Fundu class. तो Fundu class में हम क्या करते हैं? बहुत सारी ऐसी चीजें जो है सीखते हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत क्रिएटिव, बहुत इंफॉर्मेशनल होती है. तो सभी क्लासेस जो हैं आप लोग अटेंड किया करिए, राइट? और आप लोग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग चीजें जो हैं हम लाते रहेंगे बैक टू बैक. सो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आप लोग जो है एक्साइटेड है जानने के लिए कि आज हम क्या ऐसा सीखने वाले हैं स्पेशल सा. हमारी ये जो क्रिसमस स्पेशल मंथ जो चल रहा है, जिसमें हम लोग रोज कुछ ना कुछ जो है स्पेशल क्रिसमस के पेंटिंग्स या कुछ ऑर्नामेंट्स हम लोग बना रहे हैं. हम लोग आज क्या बनाने वाले हैं, वो स्पेशल चीज जो हम लोग बनाने वाले हैं वो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी बताऊंगी. तो आज एक्चुअली हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो है पेंटिंग का. ओके, तो आज हम करने वाले हैं पेंटिंग. किस चीज की हेल्प से? वाटर कलर की हेल्प से. एंड वाटर कलर की हेल्प से हम लोग पेंटिंग करने वाले हैं दो अलग अलग टाइप के क्रिसमस ट्रीज, और बहुत अच्छे से इसको डेकोर भी करेंगे. और ब्रश की हेल्प से हम लोग इसको बनाने वाले हैं. तो आप लोग जो हैं फटाफट से जो है तैयार हो जाइए, किस तरह से हम लोग जो है हमारे क्रिसमस के जो स्पेशल क्लास को अभी स्टार्ट करने वाले हैं. तो पहले मैं आप लोगों को वो पेंटिंग दिखाना चाहूंगी कि जो हम लोग आज बनाने वाले हैं. तो यहाँ पे मेरे पास रखी हुई है, जो थोड़ी आपको दिख रही होगी. सो यू गाइस कैन सी कि यहाँ पे जो है दो तरीके के क्रिसमस ट्री आपको दिख रहा होगा. एक कुछ इस तरह की लाइंस में बना है और एक कुछ इस तरह की लाइंस में बना है. तो ये दोनों ही बनाए आज हम जो है हमारी क्लास में बनाना सीखेंगे किड्स, और आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा. सो हमें चाहिए कोई ब्रश, ऐसा कोई ब्रश जिसका जो है पॉइंट राउंड शेप का हो, और इसका जो नंबर है 4, 5, 6, जो भी नंबर का आपके पास है तो वो काफी है. अगर 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस हमें इस तरह से जो है एक शार्प ब्रश चाहिए जिसकी जो पॉइंट है वो थोड़ा सा शार्प हो, कुछ इस तरह का. ओके, राउंड ब्रश है ये. तो मैंने आज इसकी हेल्प से जो है मैं इसको बना रही हूँ. तो आप लोगों को भी इसी की हेल्प से जो भी ब्रश आप लोग के पास है वो उससे बना सकते हैं. सो हेयर आई हैव केक कलर्स, वाटर कलर्स, केक कलर्स. तो केक कलर्स इसलिए बहुत अच्छे होते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ केक कलर्स के बारे में, कि हम लोग वाटर कलर तो लेते हैं, ट्यूब वाले भी लेते हैं, और समटाइम्स हम लोग लेते हैं बॉटल्स वाले लेते हैं. बट केक कलर्स में जो ये फायदा होता है कि हमें ना बार बार अलग अलग जो होता है ना ढक्कन खोलना नहीं पड़ता, और कलर्स को पैलेट में इस तरह से मिक्स नहीं करना पड़ता. तो केक कलर्स में ये फायदा होता है कि हम लोग थोड़ा सा मैस दिख रहा होगा, बट इस तरह का मैस हो जाता है जब हम लोग जो है वर्क करते हैं, तो इस तरह का मैस हो जाता है. फिर हमें साफ करके रखना चाहिए. तो देखिए इस तरह से जो है हमें कलर्स इस तरह से ले सकते हैं, जो भी कलर चाहिए बस ब्रश को वॉश करिए और फिर इस तरह से ले लीजिए, और फिर यहाँ पे जो है आप इस जगह पे जो है अपने कलर्स को इस तरह से मिक्स कर सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे मिक्स किया और यहाँ पे देखिए कितना सारा मैस हो चुका है. ओके, तो ये तो था कलर की बातें. अब हम करने वाले हैं आज की ड्राइंग को स्टार्ट. तो कौन कौन एक्साइटेड है पहले तो मुझे इस तरह से थम्स अप करके बताइए, क्योंकि मैं अभी तो आप लोगों का फेस देख पा रही हूँ, बट थोड़ी देर बाद नहीं देख पाऊंगी. जब मैं वर्क स्टेशन पे आ जाऊंगी तो मैं आप लोगों को नहीं देख पाऊंगी. तो आप लोगों को क्या करना है, जब मैं आप लोगों को नहीं देख पाऊंगी तो आप लोगों की पेंटिंग्स भी नहीं देख पाऊंगी. तो आप लोगों को करना ये है कि आप लोगों को सभी को
अपनी अपनी जो पेंटिंग्स हैं वो शेयर करना है फंडू क्लास के इंस्टा और फेसबुक आईडी पर, तो बिल्कुल नहीं भूलना है। तो फटाफट से जो है बनाना है साथ साथ में और शेयर करना है फंडू क्लास के इंस्टा और फेसबुक आईडी पे। ओके, तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू मेक क्रिसमस tree painting with the help of watercolor. Here I have artistic watercolor cake colors. तो अगर आप लोगों के पास student cake colors हैं तो वो भी आप लोग use कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास poster colors हैं तो वो भी आप लोग use कर सकते हैं। Okay, तो सबसे पहले आप लोग जो है अपना अपना ब्रश रेडी कर लीजिए, जो भी ब्रश से हम लोग बनाने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को दो टाइप के क्रिसमस ट्रीज बनाना सिखाऊंगी। ओके, तो हमने जो है हमारी कॉपी को दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर लिया है, और यहाँ पे अभी हम टू टाइप्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज बनाएंगे। ओके, तो अपने अपने ब्रश रेडी कर लीजिए। यहाँ पे हमारे पास कलर्स हैं और पानी है मेरे पास यहाँ पे। तो यहाँ अब मैं क्या कर रही हूँ, अपने ब्रश को पानी से टैप करके यहाँ पे मैं अपने ब्रश में लूंगी वाटर कलर एंड सी। यहाँ पे जो है मैंने वाटर कलर से ग्रीन शेड को ले रही हूँ एंड पूरा काम हमें जो है ब्रश की हेल्प से ही करना है। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आप लोग चाहें तो सिंपली पेंसिल की हेल्प से भी एक ट्रायंगल शेप बना सकते हैं, और बिना पेंसिल की शेप से भी ये बन जाता है। लेकिन क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो इसको आप पेंसिल की हेल्प से बना लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह पे बनाएंगे एक लंबी सी लाइन। ओके, एक लंबी सी लाइन, जितना लंबा हमें जो है ट्री चाहिए उतनी लंबी हमने यहाँ पे लाइन बनाई है। इसके बाद हमें यहाँ से एक लाइन इस तरफ करना है, खींचना है, और एक लाइन हमें इस तरफ खींचना है। इसके बाद ये थोड़ा सा पतला लग रहा है मुझे, तो वही चीज़ है, आपको जितना मोटा आपको ट्री चाहिए अपना क्रिसमस ट्री तो आप उतना इसको मोटा कर सकते हैं। ओके, तो बस कुछ नहीं करना है हमें, ऐसे करके थोड़ा तिरछा करके यहाँ तक ऐसे लाइन खींचनी है, और यहाँ से इसको यहाँ तक लाइन खींचनी है, और नीचे से यू एक आइसक्रीम कोन जैसा बनाना है, ट्रायंगल शेप। ओके, और ये लाइन थोड़ी नीचे तक रहेगी। अभी हमने ये ड्रॉ कर लिया है, फटाफट से आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए। और फिर हम ये जो हमने ड्रॉ किया है इसके ऊपर ही अब हम कलर करने वाले हैं। कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से हम लोग आज क्रिसमस ट्री को बनाने वाले हैं। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे ब्रश में लिया है ग्रीन ग्रीन शेड, और जो सबसे पहला जो ट्री है वो बहुत ही इजी टेक्निक से बनने वाला है। तो आप लोगों ने बना लिया ये, नहीं तो फटाफट से बनाइए। पहले क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ की, सिंपल लंबी लाइन, और फिर आप उसके ऊपर एक ए बना दो, किसकी हेल्प से, स्केल की हेल्प से, एक ए शेप और नीचे से एक लाइन स्ट्रेट, इसको बंद कर दो। फिर हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहां से ब्रश को कलर करेंगे। तो फटाफट से ब्रश में कलर ले लीजिए, ग्रीन कलर, और अब हमें ब्रश को देखिए किस तरह से जो है चलाना है, हमें ब्रश को कुछ ऐसे ऐसे चलाना है। ओके, कहां तक, ये यहां से लाइन जहां से स्टार्ट हुई वहां से उसके आगे तक जहाँ पे खत्म हो रही है वहां तक। तो इस तरह से हमें
एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन नहीं खींचनी है, अच्छे से देखिए, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं खींचनी है, मतलब ऐसे ऐसे कहीं से भी लाइन जो है निकल रही है, लेकिन निकल वहीं से रही है जहाँ से ये जो लाइन है ये स्टार्ट हुई है। ओके, देखिए इस तरह से मैं कहीं से भी लाइन निकाल रही हूँ, ऐसे एकदम सिर्फ ऐसे ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ मैं? हमें क्या करना है, इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन पे ब्रश को चलाना है। लाइक पहले यहाँ थोड़ा सा चला लीजिए, थोड़ा यहाँ चला लीजिए, इस तरह से अलग अलग डायरेक्शन पे हमें ब्रश को चलाना है स्ट्रेट, जैसे स्लीपिंग लाइंस खींचते हैं। तो ब्रश लेंगे और ये जो हमारा स्टार्ट है यहाँ से इस तरह से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे हमें ऐसे चलाते हुए लाना है। देखिए कलर करते करते थोड़ा क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो इसी तरह करिए कि कहीं डार्क कहीं लाइट दिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले कलर लीजिए और फिर इस तरह से कलर करते हुए नीचे तक आएंगे तो वो थोड़ा लाइट हो जाता है कलर, और उसी से एक जो है बहुत ही प्यारा सा शेड बनेगा हमारे इस ट्री का, लाइक थोड़ा डार्क थोड़ा लाइट। तो इस तरह से पहले कलर लेंगे तो पहले क्या होगा, डार्क डार्क चलेगा और फिर क्या चलेगा, वही ये देखिए लाइट लाइट चल रहा है। तो इस तरह से हमें लाइंस करनी है। फिर से पानी लेती हूँ और फिर से हम लेंगे कलर और अगेन इस तरह से हमें कलर करना है। ये देखिए इस तरह से हमें ये कलर करना है। ओके, तो ये तो जो है हमारा फर्स्ट ट्री कुछ ऐसे ही बनने वाला है। जो लाइंस हैं आप देखिएगा, ये जो लाइंस हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बस कहीं से भी स्टार्ट हो रही है कहीं भी ख़त्म हो रही है, लेकिन हमें यहाँ से स्टार्ट करना यहाँ ख़त्म करना और फिर बीच में कहीं से भी आप इस तरह से स्टार्ट और एंड इसको कर सकते हैं। ओके, जस्ट लाइक दिस। फिर से लेंगे थोड़ा सा पानी आप देख रहे होंगे, मैं तीन यहां पे मेरे पास ग्रीन शेड और मैं तीनों में ही टैप कर रही हूं। तीनों में इसलिए मैं टैप कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा डिफरेंट शेड चाहती हूँ, बस और कुछ नहीं। और यहाँ पे आके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे कलर कर देंगे यूं, और ये देखिए हो गया। है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लेंगे डार्क ब्राउन शेड, तो थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा डार्क ब्राउन शेड को मैंने मिक्स किया और यहाँ नीचे इस तरह से यहाँ कलर कर। थोड़ा सा लाइन और फिर थोड़ा सा
वाइट कलर लेके इस तरह से मिक्स कर दीजिए ऐसे बस। तो ये तो हमारा जो है फर्स्ट ट्री बन चुका है। क्यों ना थोड़ा सा डेकोर कर लिया जाए इस ट्री को, क्योंकि है तो ये क्रिसमस ट्री ही ना। तो यहाँ पे मैं लूँगी सबसे पहले येलो शेड, ये लेमन येलो है, और लेमन येलो शेड से मैं यहाँ पे बनाऊँगी एक स्टार। देखिए ये बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, है ना। तो अब मैं लूँगी डार्क येलो, डीप येलो, और अब मैं डीप येलो से इसको कलर करूँ। थोड़ा सा ऑरेंज हल्का हल्का साइड साइड में ओनली इस तरह से कर देंगे, तो ये एक डिफरेंट ही शेड पकड़ लेगा, है ना। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, अगेन मैं यहाँ पे लूँगी येलो शेड, थोड़ा सा अच्छे से लेना है येलो कलर का शेड, और इस तरह से हमें एक दो सर्कल्स बनाने हैं ऐसे करके कहीं कहीं पे। ओके सो ये तो येलो शेड से बन गया है। अब हम लेंगे थोड़ा सा रेड शेड, क्योंकि रेड शेड्स के भी कुछ कुछ बॉल्स होते हैं ना। तो ये देखिए ये मैं ले लिया रेड, और अब कुछ रेड कलर के बॉल्स बन रहे हैं यहाँ पे। और ये हमारा जो है क्रिसमस ट्री बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। ओके तो अब हम बनाएंगे नेक्स्ट क्रिसमस ट्री को नेक्स्ट स्टाइल से। तो अगेन मैं यहाँ पे लूंगी इस तरह से स्केल की हेल्प, और बनाऊंगी एक लाइन। ओके तो ये मैंने एक जो है लंबी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींची है, और फिर अगेन इस तरह से ए शेप बनाना है ऐसे ही, और इस तरह से भी। ये बना दिया हमने क्रिसमस ट्री का एक शेप। अब देखिए आप लोगों का हो गया ये, तो मैं आगे बताऊं आप लोगों को कि अब हम ये वाला जो नेक्स्ट क्रिसमस ट्री है इसको कैसे करके जो है पेंट करने वाले हैं। अब इसे हम जो है थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में पेंट करेंगे। लाइक ये इसे हमने इस तरह से स्लीपिंग लाइन में स्लीपिंग मोड में इसको इस तरह से पेंट किया है, बट इसको हम कुछ इस तरह से लाइक स्टैंडिंग मोड, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं थोड़ा सा जो है वर्टिकल शेप होगा इसका। तो कैसे होगा वो मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग को अभी गौर से देखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें ले लेना है कलर, और देखिए हमें ब्रश को कुछ ऐसे पकड़ना है ऊपर से, और इसको इस तरह से ए शेप बनाना है ऐसे, और फिर इसके नीचे हम कुछ लाइंस बना देंगे इस तरह से। तो देखा आपने कैसे बनाया मैंने, तो ऐसे ही हमें आगे भी बनाते जाना है, लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, इसी तरह से हमें फिर से ऐसे 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 लाइंस बनानी इस तरह से।
तो क्या किया हमने, कुछ ऐसे कलर लिया और यूं यूं करके ब्रश की हेल्प से हमने यूं यूं करना है। तो पहले हमने इस तरह से लाइंस खींची थी, तो अब हम लोग ऐसे नीचे की तरफ लाइन खींचेंगे। पहले ये इस साइड कर लीजिए, फिर यहां से इस साइड कर लीजिए और बीच में फिर ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस। ओके, ब्रश को ऐसे ऐसे खींचना है। ओके, सीधे मोड में, स्टैंडिंग मोड में। समझ में? फिर से कलर लेते हैं। अगेन इस तरह से लाइंस। तो कुछ इस तरफ से ऐसे लाइंस होंगी, कुछ इस तरफ से लाइंस होंगी, बाद में बीच में लाइंस होंगी। ओके, अब हमारी लाइंस थोड़ी लंबी होंगी। पहले हमने छोटी छोटी बनाई, थोड़ी बड़ी बनाई, फिर और बड़ी बनाई, अब हम थोड़ी और बड़ी बनाएंगे। लाइक यहां से इतना दूर तो जाए, देखिए इस तरह से। ये देखिए, ये हमारा जो है ट्री बन गया है। अभी इसके नीचे थोड़ा सा और करेंगे हम, एंड देन ये डन हो जाएगा। तो ये जितना पार्ट अभी बचा हुआ है, इतना इसको भी हम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले यहां से लाइन निकालनी है इस तरह से। कुछ इस तरह से ऐसे ऐसे कर दीजिए और फिर अंदर अंदर भी कर दीजिए। तो ये बन गई हमारी सेकंड वाली जो है क्रिसमस ट्री। आप देख सकते हैं ये कितनी क्यूट लग रही है। ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों को ही बनाने का टेक्निक बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग है और दोनों ही बहुत क्यूट लग रही है। तो इसको भी हम पहले तो स्टैम्प बनाएंगे। इसकी पहले एक स्टैम्प बनाते हैं यहां से, थोड़ा सा ब्राउन। और फिर यहां से कुछ लाइंस ऐसे ऐसे स्लीपिंग मोड में खींच दीजिए। और फिर ये जो लाइंस को ना, आप ब्रश को धो के और फिर इन लाइंस में इस तरह से थोड़ा पानी की हेल्प से ऐसे मिक्स कर दीजिए, तो थोड़ा सा एक शेड बन जाता है और इतना हमारे लिए काफी है। ओके, तो अब अगेन हम इसको थोड़ा डेकोर करेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं लूंगी थोड़ा सा रेड कलर। रेड कलर से मैं यहाँ पे बनाऊंगी छोटे छोटे बॉल्स।
देखिए इस तरह से, तो इससे हमने क्या किया, रेड कलर के बॉल्स से डेकोर कर दिया है और रेड कलर का ऊपर लगा देंगे एक स्टार। तो आप लोग अपने हिसाब से स्टार बनाइए, मैं ऐसे करके स्टार बना रही हूँ सिंपल। बस ये बन गया है। तो यहाँ तो हो गया ये वाला काम। अब मैं लूंगी थोड़ा सा ब्लू शेड, और अगेन आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। यहां से हम बना देते हैं कुछ लाइट्स डेकोर करने के लिए इस ट्री से, इस ट्री में, और इसे कर देते हैं येलो शेड से कुछ लाइट्स, बस ऐसे ऐसे ही। ये देखिए ये हमारे कुछ लाइट्स यहां से वहां जा रहे हैं। तो आपने देखा कितना क्यूटली बन गया ये। तो आज ही हमारी जो है क्रिसमस ट्री पेंटिंग तो यहाँ पर डन होती है, और आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। तो फटाफट से आप लोग भी इसे बना लीजिए, एंड आप लोगों को कैसा लगा आज का पेंटिंग और आप लोगों ने कितना एंजॉय किया, तो ये आप लोगों को शेयर करना है फंडू क्लास के साथ, अपनी अपनी पेंटिंग को शेयर करना है फंडू क्लास के साथ, और भूलना बिल्कुल नहीं है। ओके, तो आज की पेंटिंग यहाँ तक ही थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर से नई नई एक्साइटिंग पेंटिंग के साथ फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए कहिए अपने टीचर को बाय बाय, से बाय।